हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक केयर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुकीज इन पीएचपी। कुकीज आर टेक्स्ट फाइल्स स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर। कुकीज स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जिनका मैक्सिमम साइज 4 KB तक हो सकता है, और ये जो टेक्स्ट फाइल्स होती हैं इन्हें वेब सर्वर क्लाइंट के कंप्यूटर पे स्टोर करता है। क्लाइंट कंप्यूटर मीन्स यूज़र कंप्यूटर। इनका यूज़ हम यूज़र से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए करते हैं। अ कुकीज ऑफन यूज टू आइडेंटिफाई अ यूज़र। तो यूज़र से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, जैसे कि यूज़र नेम, उसका ट्रैक रखने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए हम कुकीज़ का यूज़ करते हैं। और कुकीज़ का एक ये भी यूज़ है कि जब नेक्स्ट टाइम विजिटर्स और यूज़र उस पेज को विजिट करते हैं तो वो पर्सनलाइज पेज देख सकते हैं। जैसे कि जब हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो हमको एक मैसेज आता है, डू यू वॉन्ट टू सेव द कुकीज़, और अगर हम येस करते हैं और नेक्स्ट टाइम सेम वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो हमको एक पर्सनलाइज पेज मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कुकीज़ होती हैं वो हमारे कंप्यूटर पे स्टोर होती हैं। तो कुकीज़ एक तरह से वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल है जो कि विजिटर के कंप्यूटर पे स्टोर होता है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब विजिटर उस पेज को विजिट करे, उस पेज को ब्राउज करे, तो उसको साथ में कुकीज़ भी सेंड होती है। तो बेसिकली जो यूज़र से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसे स्टोर करने के लिए हम कुकीज़ का यूज़ करते हैं। तो कुकीज़ को सेट करने के लिए हम सेट कुकी फंक्शन का यूज़ करते हैं। सेट कुकी फंक्शन मस्ट अपीयर बिफोर द HTML टैग। तो जब हमें कोई कुकी सेट करनी होगी तो हम सेट कुकी फंक्शन का यूज़ करेंगे, और ये जो फंक्शन है ये हमेशा HTML टैग के पहले यूज़ होगा। सेट कुकी फंक्शन में 6 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है नेम, जिसका यूज़ हम कुकी का नेम सेट करने के लिए करते हैं। सेकेंड है वैल्यू, जिससे हम कुकीज़ की वैल्यू सेट करते हैं। थर्ड है एक्सपायर, एक्सपायर का यूज़ हम कुकीज़ की एक्सपायरी डेट देने के लिए करते हैं। यहाँ पे हम टाइम मेंशन करते हैं जो कि सेकेंड में होता है, और जो भी टाइम हम यहाँ पे देते हैं उस टाइम के बाद कुकी एक्सपायर हो जाएगी, मींस उस टाइम के बाद हम कुकीज़ को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम एक्सपायरी टाइम देते हैं। उसके बाद होता है पाथ। पाथ इज यूज टू स्पेसिफाई द पाथ ऑन द सर्वर फॉर विच द कुकी विल बी अवेलेबल। तो कुकीज़ किस पाथ पे अवेलेबल है उसके लिए हम पाथ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डोमेन। डोमेन से हम डोमेन स्पेसिफाई करते हैं जहाँ पे कुकीज़ अवेलेबल है। और लास्ट होता है सिक्योर HTTP ओनली, मीन्स ये सिक्योरिटी के लिए होता है। ये इंडिकेट करता है कि कुकीज़ सिर्फ तभी सेंड होगी जब सिक्योर HTTP कनेक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे हमने 6 आर्ग्यूमेंट्स देखे, लेकिन ये सभी कंपलसरी नहीं होते हैं। ओनली द नेम पैरामीटर इज रिक्वायर्ड एंड ऑल अदर पैरामीटर्स आर ऑप्शनल। PHP में हम कुकीज सेट करने के साथ साथ कुकीज वैल्यू को रिट्रीव भी कर सकते हैं। कुकीज वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए हम PHP $_cookie वेरिएबल का यूज करेंगे। द PHP $_cookie वेरिएबल कैन बी यूज टू रिट्रीव अ कुकी वैल्यू, बट कुकी की वैल्यू रिट्रीव करने से पहले हमेशा हमें चेक करना चाहिए कि कुकी सेट हुई है या नहीं। तो कुकी सेट हुई है या नहीं ये चेक करने के लिए हम इस सेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। इस सेट फंक्शन कैन बी यूज टू चेक इफ़ अ कुकी हैज़ बीन ऑलरेडी सेट और नॉट। और लास्ट होता है डिलीट अ कुकी। अगर हमें कोई कुकी डिलीट करनी है तो उसके लिए अलग से कोई फंक्शन नहीं होता है, सिर्फ हम वहाँ पे एक्सपायरी डेट या फिर एक्सपायरी टाइम मेंशन करते हैं। तो जो भी हमने सेट कुकी फंक्शन में 6 आर्ग्यूमेंट पढ़े थे उसमें से थर्ड नंबर पे जो एक्सपायरी वाला आर्ग्यूमेंट था, वहाँ पे अगर हम पास्ट का टाइम मेंशन कर देते हैं तो हमारी कुकी डिलीट हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम कुकी सेट करेंगे, वहाँ पे हम सेट कुकी फंक्शन का यूज़ करेंगे।
उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी जो कुकी है वो प्रॉपरली सेट हुई है या नहीं। उसके लिए हम इस सेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। कुकीज़ की वैल्यू रिट्रीव करने के लिए हम PHP डॉलर अंडरस्कोर कुकी का यूज़ करेंगे। एंड फाइनली जब कुकी को हमें डिलीट करना होता है तो हम सेट कुकी फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसमें एक्सपायरी में हम पास्ट का टाइम मेंशन करेंगे। हम इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें कुकी क्रिएट करनी होगी। तो कुकी क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे सेट कुकी फंक्शन का, और सेट कुकी फंक्शन का यूज़ हम HTML के पहले करते हैं। तो HTML के पहले हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। इस एग्जांपल में हमने कुकी नेम लिया हुआ है यूज़र, कुकी वैल्यू है ओमेगा टैकेट, और इसका एक्सपायरी टाइम हमने दिया हुआ है अभी जो करंट का टाइम है उससे लेके 1 आवर तक। मीन्स जो टाइम फंक्शन है वो करंट का टाइम बताता है, और जो 3600 है वो सेकेंड्स में है। 3600 सेकेंड्स मीन्स हुआ 1 आवर। मीन्स जो हमारी कुकी है वो एक्सपायर हो जाएगी 1 आवर फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम। तो इस तरीके से हम कुकी सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं, कुकी इज़ क्रिएटेड। तो यहाँ पे सिंटेक्स हम इसका देख लेते हैं। सेट कुकी फंक्शन का हमने यूज़ किया और ये 3 आर्ग्यूमेंट्स हमने पास किए हैं। उसके बाद हमने इसको सेव कर लिया है और सर्विसेज ऑन है। तो यहाँ पे हमने अपाचे सर्विसेज ऑन रखी हुई है। इसके बाद जो हमारी फाइल थी जो हमने सेव की थी सेट कुकीज डॉट पी एच पी नेम से, उसे हम रन कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कुकीज़ क्रिएटेड। तो रिफ़्रेश भी करना भी पड़ सकता है हमको अगर एक बार में नहीं आता है तो। तो ये ऑलरेडी हमारी जो कुकी है वो क्रिएट हो चुकी है। अब कुकी वैल्यू एक्सेस करने से पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कुकीज़ सेट हुई है या नहीं। तो इस सेट फंक्शन का यूज़ करके हम चेक करेंगे कुकी सेट है या नहीं। और कुकी की वैल्यू एक्सेस करने के लिए हम डॉलर कुकी का यूज़ करते हैं। तो वही हमने यूज़ किया हुआ है। तो अगर हमारी कुकी सेट हो गई होगी तो कुकी की वैल्यू आ जाएगी। तो हम चेक कर लेते हैं चेक कुकीज डॉट पी एच पी। तो कुकी वैल्यू हमें मिलती है ओमेगा टैकेट। तो यही वैल्यू हमने सेट की थी कुकी की। और लास्ट में हम डिलीट कर रहे हैं कुकी। तो कुकी डिलीट करने के लिए कोई अलग से फंक्शन नहीं है, सिर्फ हमको यहाँ पे पास्ट का टाइम डालना होता है। तो हमने यहाँ पे टाइम माइनस 3600 लिखा। तो एक्सपायरी टाइम में जब हम पास्ट का टाइम डाल देते हैं तो जो कुकी है वो डिलीट हो जाती है। फाइल ले लेंगे डिलीट कुकी डॉट पी एच पी एंड कुकी इज डिलीटेड। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में देखा कि कुकीज़ क्रिएट कैसे कर सकते हैं। कुकीज़ क्रिएट करने के बाद हम चेक करते हैं कुकी सेट हुई है या नहीं। कुकी की वैल्यू को हम रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और कुकी को डिलीट करने के लिए हम एक्सपायरी वाला जो आर्ग्यूमेंट है वहाँ पे पास्ट का टाइम डाल सकते हैं। पास्ट का टाइम मेंशन करने से कुकी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।